दोस्तों सबसे पहली न्यूज निकल कर आ रही है टेक्नो की ओर से, technoCamon16 ये 3 सितंबर को लॉन्च होने जा रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीएम कुशवाहा, आप देख रहे हैं कॉकटेल गुरुजी। अगर पहली बार मैं इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और दोस्तों ये फ्लैगशिप स्तर का एक फोन होगा और जिसमें 6.9 इंच डुअल डॉट इन डिस्प्ले होगा और दोस्तों ये डुअल सेल्फी कैमरा सेटअप के साथ आएगा और दोस्तों इसमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप भी होगा जिसका प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा। दोस्तों अगली न्यूज नोकिया की तरफ से आ रही है, नोकिया 3.4 में सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल होगा और दोस्तों ये पंच होल डिस्प्ले के साथ आएगा जिसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। दोस्तों अगर इसके बैक कैमरा की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा जिसमें LED फ्लैश को भी जगह मिली है और दोस्तों इसके कैमरा मॉड्यूल के नीचे देखेंगे तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और दोस्तों नोकिया 3.4 को हाल ही में गीक बेंच पर लिस्ट किया गया था और यहीं से पता चला कि फ़ोन में स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर और 3GB रैम के साथ आएगा। अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले होगा। दोस्तों इसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और 5 मेगापिक्सल का तीसरा कैमरा होगा और इसमें 4000 mAh की बैटरी दी गई है जो 10 वाट के चार्जर को सपोर्ट करती है और इसमें 3.5 mm का ऑडियो जैक भी होगा। दोस्तों अगली न्यूज़ मोटोरोला की ओर से निकल कर आ रही है, मोटोरोला 1 5G स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है और दोस्तों आपको बता दें इसमें स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर और 4 रियर कैमरा के साथ आता है और इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा भी दिया गया है। मोटोरोला 1 5G एंड्रॉयड 10 पर आधारित MIUI UX पर चलेगा और दोस्तों आपको बता दें ये सिर्फ एक ही वेरियंट पर आता है, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ और इसकी कीमत $500 रखी गई है, मतलब करीब करीब 36,600 रुपये से कम है। दोस्तों अगली न्यूज़ जियो की ओर से निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जियो फाइबर के नए प्लान आ गए हैं और ये 3 डबल लाइन से शुरू हो रहे हैं और अपने नए ग्राहकों को 30 दिन सब कुछ फ्री में दे रहा है और जियो ने दावा किया है कि अपने सभी प्लान में एक समान डाउनलोड अपलोड स्पीड देगा और इसके 3 डबल लाइन वाले प्लान की स्पीड 30 MBPS होगी। अगर आप इसका 999 वाला प्लान लेंगे तो इसमें आपको 150 MBPS की स्पीड मिलेगी, 11 ऐप्स का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। अगर आप 1499 वाला प्लान लेते हैं तो इसमें 300 MBPS की स्पीड मिलेगी और 12 ऐप्स का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। दोस्तों अगली न्यूज़ एयरटेल की तरफ से आ रही है, एयरटेल ने भी 3 नए प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं, 289, 448, 599। इन तीनों प्रीपेड प्लान में आपको डेटा वाउचर फ्री में मिलेगा, हर वाउचर में 1GB डेटा मिलेगा। दोस्तों अगली न्यूज़ पोको की ओर से निकल कर आ रही है, पोको M2 Pro की ओपन सेल शुरू हो गई है, अभी आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको 13999 में मिल जाएगा। अगली न्यूज़ सैमसंग की ओर से निकल कर आ रही है, सैमसंग गैलेक्सी M51 भारत में लॉन्च हो सकता है 10 सितंबर को और दोस्तों ये क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा, इसमें F1.8 लेंस के साथ 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, इसके साथ 12 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और तीसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का है जो कि डेप्थ सेंसर है और चौथा कैमरा भी 5 मेगापिक्सल का है जो कि माइक्रो लेंस है और इसका फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का होगा और ये 6.7 इंच के पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें 6GB रैम और 128GB का स्टोरेज होगा और सबसे बड़ी और मेन बात इसमें 7000 mAh की बैटरी भी दी गई है। दोस्तों अगली न्यूज़ पोको की तरफ से निकल कर आ रही है, पोको X3 NFC स्मार्टफोन 7 सितंबर को लॉन्च होगा और 6.7 इंच के डिस्प्ले के साथ आएगा जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 240Hz टच लेटेंसी सपोर्ट होगा। ये क्वालकॉम के बिल्कुल नए स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट के साथ आएगा और इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा। अगली न्यूज़ रियलमी की तरफ से आ रही है। दोस्तों आज रियलमी ने X7, X7 Pro V3 को लॉन्च कर दिया है, ये तीनों फ़ोन 5G फ़ोन है और रियलमी V3 कंपनी का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है और इसके प्राइस की बात करें तो ये 10,000 की प्राइस रेंज में लॉन्च कर दिया गया है और इसमें मीडिया टेक का डायमंड सिटी 720 5G प्रोसेसर लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।